आदाब नाज़रीन, मैं हुफ्साना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाई फिटनेस वर्ल्ड। फिटनेस वर्ल्ड केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, हमजा कलेक्शन, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, एंड ग्लोबल वॉलपेपर, ग्लोबल वॉलपेपर। कैजुअल वर्कर कमेटी की जानिब से आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर विधान उपाध्याय को अर्जदास सौंपी गई। तंजीम की जानिब से आफताब आलम ने कहा कि कॉर्पोरेशन की जानिब से 317 रुपए पर डे हाजिरी दिया जाता है, जो इस महंगाई के अखबार से बहुत कम है। हमारी मांग है कि कम से कम 500 रुपए किया जाए। इस सिलसिले में हम लोगों ने अमरनाथ चटर्जी और वजीर मुलाय घटक से भी राब्ता कायम किया, फिर भी इसका हल नहीं निकल सका। आफताब आलम ने मजीद कहा कि ये मेयर ऑनेस्ट हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा डिमांड पूरा किया जाएगा। कैजुअल वर्कर कमेटी के अरकान की जानिब से मेयर विधान उपाध्याय को गुलदस्ता पेश किया गया। हमारा वर्कर बहुत कम पैसा में खर्चा आपसे रिक्वेस्ट है आपसे पूरा उम्मीद है कि आप जो हम लोग आपके कम से कम सत्तर पाता हूँ आपसे तो क्रो भी दे सकता इसी हिसाब का पास हमारा आप लोग काम कर रहे हैं 3000 ठीक है सब कुछ आज हम लोग कॉर्पोरेशन इसलिए आए हैं कि इससे पहले अमरनाथ चटर्जी को हम लोगों ने डिपोर्टेशन दिया था, तो अमरनाथ चटर्जी ने वादा किया कि हाँ ठीक है मुन्ना जरूर बढ़ेगा पैसा, हमारा वर्कर बहुत कम रेट में खट रहा है। हालांकि जबकि मेन डिपार्टमेंट हम लोग जो दफ्तर में हैं हमारा वर्कर है 370 रुपया पर डे हाजिरी मिल रहा है, जबकि महंगाई का दौर है ज़माना है, कम से कम 500 रुपया हम लोग का डिमांड है, दाबी है, दो दाबी हम लोग का बाकी इससे पहले भी है। हमारा चटर्जी को हम लोगों ने डिपोर्टेशन दिया इससे पहले, इवन हम लोग कमिश्नर के पास भी गए, मुलाई घटक बुलाए अपने घर पर, मुलाई घटक के पास भी हम लोग गए, मुलाई घटक ने भी यही बात बोला कि हाँ ठीक है गुंडा इतना लो तुम्हारा पैसा हम लोग बढ़ाएंगे। तो बताइए इतना कम रेट में हमारा वर्कर खट रहा है, महंगाई का ज़माना है, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए आज हम लोग डिपोर्टेशन देने हम लोग यहाँ आए। 7 साल से कोई पेमेंट नहीं बढ़ा, अभी कितना मिल रहा है? अभी 370 रुपया हमारे वर्कर को मिल रहा है, 370 रुपया बताइए एक रोड का कूली मजदूर को 350 रुपये मिलता है। हम लोग का डिमांड है कम से कम मेयर साहब से, ये मेयर साहब बहुत ऑनेस्ट आदमी जो है, सब मेयर साहब को हम लोग आजमाया, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि बुधन उपाध्याय हम लोग के साथ इंसाफ़ी करेंगे। हमारा वर्कर के साथ एक दिन हॉलीडे छुट्टी चाहिए, हमारा पीएफ नहीं कटता है, ये रानीगंज में देखिए पीएफ कटता है, बस यही इसी दाबी के लिए हम लोग आज। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब आलम। बज़्म धर्मपुर की जानिब से उस्ताद शायर अजीमुद्दीन अजीम की याद में कल शाम एक अजीमुशान मुशायरे का इनेकाद किया गया। शाहिद बरनपुरी ने सदारत और यासीन शाकिब ने नकाबत के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पे काउंसलर कहकशा रियाज, सैयद अफरोज रबनवास खान, शाहीन इलाहाबादी, सैयद अबुल फतेह खास तौर से मौजूद थे। साहिल रब्बान, शकील अहमद, मुर्शिद धर्मपुरी और पहली बार मुशायरे में शरीक होने वाली आफरीन जारा ने खूब दादो तहसीन हासिल की।
अभी देखिए दिन ब दिन हर चीज पर जीएसटी लगाया जा रहा है, खाने पीने की चीज पर रुपए गिर रहा है, डॉलर ऊपर हो रहा है। मैं पेश कर रहा हूँ, सोच कर आज आंखें भर आई। कल मोदी हुकूमत कहती थी कि महंगाई एक डैम है, वही हुकूमत आज इस महंगाई को क्या कर रही है, मैं पेश कर रहा हूँ। सोच कर आज आंखें भर आई, इस कदर मुल्क में है महंगाई, इस कदर मुल्क में है महंगाई। अकल तलक डैनिस को कह देते, अकल तलक डैनिस को कह देते, आज इन लोगों की है हमने जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान बेचेगा, आसमान बेचेगा। दावत में जा रही हो तो फिर डट के खाइयो, मौका मिला तो मेरे लिए लेके आया है। दावत में जा रही हो तो डट के खाइयो, मौका मिला तो मेरे लिए लेके आइयो, और एक नोट 100 का दीजियो गर हो हलीम मुर्मू, एक नोट 100 का दीजियो गर हो हलीम मुर्मू, वरना 50 ही का लिफाफा थमाइयो, वरना 50 ही का लिफाफा थमाइयो। आइए इस जे मैं मोहतरमा आफरीन जरा इस्तकबाल कीजिए जरा इनका तालियों से। लाकर है दिया जहर मुझे खाने में, इश्क का रोग लगा फिर से हम मस्ताने में। कौन है उसका है क्या नाम पता, पूछे तो पूछे तो किसी सूरत हुआ राजी नहीं बतलाने में। जब लगे पीट गए, जब लगी पीट ले बाहर हर सदा ये आए, कोई झाड़ू से न मारे मेरे दीवाने को, कोई झाड़ू से न मारे मेरे क्या। एक हंस में पेश करने जा रही हूँ, पहला शेर मतलब का शेर है, गौर फरमाइएगा। जी बिल्कुल गौर फरमा रहे हैं। जागते सोते, जागते सोते तेरी याद में खोकर रोई, अच्छा जागते सोते तेरी याद में खोकर रोई, कम पड़े अश्क तो सुरमा भी लगाकर, कम पड़े अश्क तो सुरमा भी लगाकर रोई। हाय हाय हाय, सुरमा लगाकर रोना वाकई हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह। मुझको रोना था, मुझको रोना था, बहरहाल तेरी फुर्कत में। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझको रोना था बहरहाल तेरी फुर्कत में। ये शेर परवेज साहब की नज़र कर दो। ईद के रोज भी मैं ईद मनाकर रोई, ईद के रोज भी मैं ईद मनाकर रोई। क्या मतलब ये तीरगी में रोशनी है तीरगी में रोशनी है माँ, तीरगी में रोशनी, तीरगी में रोशनी है माँ, तीरगी में रोशनी है माँ, जिंदगी है जिंदगी है माँ, जिंदगी है जिंदगी है माँ, तीरगी में रोशनी है जिंदगी है जिंदगी है माँ। एक फकत वजूद से तेरे, एक फकत वजूद से तेरे, कायनात ये सजी है माँ, कायनात ये सजी है माँ, तेरी में रोशनी है माँ। गुलशन
प्यासी जिंदगी तेरे बगैर, प्यासी जिंदगी तेरे बगैर, शफकतों की एक नदी है माँ, शफकतों की एक नदी है माँ। पड़ोसी हमारे गंदा कुछ कवारे मकस में, जब भी जब भी बेगम ने पेंशन दिया है शकील, लेके बोतल नदी के किनारे गए, कुछ तो शादी शुदा अम्मा, कैसी बहू तो लाई रे अम्मा, सबको फंसाई रे अम्मा, कैसी बहू लाई रे अम्मा, आफत में सबको फंसाई रे अम्मा। हर वक्त देखे मोबाइल टीवी, हर वक्त देखे मोबाइल टीवी, फूटी थी किस्मत मेरी ऐसी बीवी, काहे को कर दी सगाई में, सबको फंसाई रे गली में, मैं करके है आई गली में, मैं करके है आई, करती है हर वक्त मुझसे लड़ाई, चंबल से क्या इसे लाई रे अम्मा, आप अपने सबको फंसाई रे अम्मा। घूमने को हर वक्त तैयार है ये, काम पड़े सर तो बीमार है ये, जाके तू ला दे दवाई रे अम्मा, आफत में सबको फंसाई रे अम्मा। खाने से ज्यादा है मेरे अपना खर्चा, खाने से ज्यादा है खर्चा, पूरे मोहल्ले में इसका है चर्चा, घर में है आफत मचाई रे अम्मा, आफत में सबको फंसाई रे अम्मा। कहती है हर दिन सनीमा देखाओ, कहती है हर दिन सनीमा देखाओ, मुझको तुम्हें घर तो है सर पे उठाई रे अम्मा, आफत में सबको फंसाई रे अम्मा। ओझा से ना मौलवी से हटेगा, ओझा से ना मौलवी से हटेगा, अब ये बला ना किसी से टलेगा, काहे को पछताई रे अम्मा, आफत में सबको फंसाई। लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, निगाहों से ये जाहिर हो रहा है, निगाहों से ये जाहिर हो रहा है, तुम्हारा दिल मोहाजिर हो रहा है, निगाहों से ये जाहिर हो रहा है, तुम्हारा दिल मोहाजिर हो रहा है, सब अपने हाथ में पत्थर उठा ले, मिसा देख ले, सब अपने हाथ में पत्थर उठा ले, कोई दीवाना हाजिर हो रहा है। मेरी खुदाई अजब है दोस्तों, मेरी खुदाई, मेरा महबूब काजी हो रहा है, अजब है दोस्तों मेरी खुदाई, मेरा महबूब काजी हो रहा है,
जिसे नफरत के रूप में मार डाला, जिसे नफरत के रूप में मार डाला, वही पौधा हरा फिर हो रहा है। किसी का मुंतजिर कोई न होगा, किसी का मुंतजिर कोई न होगा, किसी का मुंतजिर कोई न होगा, रिफाकत पर मुसिर कोई न होगा, किसी का मुंतजिर कोई न होगा, रिफाकत पर मुसिर कोई न होगा, अभी है वक्त अपना लो किसी को, अभी सब है तो फिर कोई न होगा, अभी सब है तो फिर कोई न होगा। और मैंने जो महसूस किया था उनके सिलसिले में, कहते हैं कि चाही सदा पनाह थी, चाही सदा पनाह थी शैतानुर रजीम से, चाही सदा पनाह थी शैतानुर रजीम से, बेजार होते देखा नहीं हाले सतीम से, बेजार होते देखा नहीं हाले सतीम से, आप ही क्या कर रहे। और इखलाक के धनी थे उखुवत का पास था, इखलाक के धनी थे उखुवत का पास था, वाकिफ थे अच्छी तरह मोहब्बत की नींद से, वाकिफ थे अच्छी तरह मोहब्बत की नींद से, और निस्बत रसूल पाक से ऐसी थी आपको, निस्बत रसूल पाक से ऐसी थी आपको, खंदा जबी से मिलते मोहिबो गनीम से, खंदा जबी से मिलते मोहिबो गनीम से। और चूंकि माह रमजान था और शबे कदर, एक शेर देखेंगे के माह अजीम की वो शब भी अजीम थी, माह अजीम की वो शब भी अजीम थी, मिलने गए अजीम जो रब्बे करीम से, माह अजीम की वो शब भी अजीम थी, मिलने गए अजीम जो रब्बे करीम से, अल्लाह मग़फ़िरत करे हजरत अजीम की, अल्लाह मग़फ़िरत करे हजरत अजीम की, मंजर लगाए लौ रहे वो हरदम रहीम से, मंजर वो लौ लगाए रहे हरदम रहीम से। सुभान अल्लाह। और अब ऐसा मौका भी एक हसीन आया, नमक के भी दिल नशी आया, यूं तो आए थे सब आयात को, यूं तो आए थे सब आयात को, जिसको आना था वो नहीं आया। हजरात ये चार मिसरे भी मुलाजा फरमा ले। तीरंगी को भी नूर बोलेगा जब कोई बेशूर बोलेगा, तीरंगी को भी नूर बोलेगा जब कोई बेशूर बोलेगा, टुकड़े टुकड़े भी हो गया तो क्या, आईना सच जरूर बोले। है दोस्तों होशियार हो जाओ, अभी भी वक्त है ऐ दोस्तों होशियार हो जाओ, कि फिर एक करबला होने को है तैयार हो जाओ, अभी भी वक्त है। अभी तो हम लोग को ऐसा हिंदुस्तान में समझ लिया गया है कि खुदा की कसम मत कहिए, अभी भी वक्त है ऐ दोस्तों होशियार हो जाओ, कि फिर एक करबला होने को है तैयार हो जाओ, और यजीदे वक्त फिर सर को उठाने पर है आमादा,
यजीद फिर सर को उठाने पर है आमादा, उठो शेर खुदा की दोस्तों तलवार हो जाओ, उठो शेर खुदा की दोस्तों तलवार हो जाओ। और ये देखेंगे, ये भी वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की facilities उपलब्ध है, जैसे emergency 24/7, modular OTs, ICU, NICU, HDU, pharmacy 24/7, day care unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service, with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह के डिजाइनर वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी मैट फ्लोरिंग, पीवीसी पैनल, यूवी मार्बल शीट, वर्टिकल गार्डन के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है 3rd फ्लोर गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, ट्राइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग, ट्रेनर्स और डाइटिशियंस आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। वजीर मुलाय घटक को TI एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब करने के बाद उन्हें सोशल मीडिया में मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने भी ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया और वजीर मुलाय घटक को मुबारकबाद पेश किया। हम लोग आसनसोल के अलावा पूरे पश्चिम बर्धमान जिला के सभी लोग आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे आसनसोल की धरती, इस माटी का एक उभरता हुआ सियासी हम लोग का रहनुमा, जिसपे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतना विश्वास जताया है कि जो हम लोग के इस जिला में हम लोग अपना अभिभावक मानते हैं, सरप्रस्त मानते हैं, पैट्रन मानते हैं, जिसको जो हम लोग को हर समय गार्जियन के रूप में
सलाह देते हैं माननीय मुलायम घटक जो यहाँ के विधायक पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, उनको नॉर्थ बंगाल में टी एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन बनाया है। इसके लिए हम अपने साथ साथ पूरे यहाँ तृणमूल परिवार के तरफ से, इस जिला के तमाम बासिंदगान की तरफ से ममता बनर्जी को बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो मुलायम घटक का दौर जिस तरह के रहनुमा हैं, लीडर हैं, जो आवाम के लिए हर वक्त काम करने का सोचते हैं, आवाम के लिए हर वक्त खिदमत में लगे रहते हैं। जब वो कलकत्ता से आसनसोल आते हैं तो पूरी आसनसोल की जनता जानती है कि वो जब आसनसोल इन कर जाते हैं उसके बाद जो लोगों से विजिट करना शुरू करते हैं तो रात का 1:30-2 जितना भी बच जाए लोगों से मुलाकात करते हैं, उनका जो मुसीबतें हैं या मसाइल उसको सुनते हैं, उसको हल करने का कोशिश करते हैं। ऐसे नेता के ऊपर में जिम्मेदारी और दिया गया है और बढ़ाई गई है, उनको जो चेयरमैन बनाया गया हम लोग मुबारकबाद देते हैं। मुलायदा को भी, मुलायम घटक जो हम लोग के वजीर हैं सरपरस्त, उनको भी मुबारकबाद देते हैं और ये हम दुआ करते हैं इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी उनको तरक्की हो, इलाके का भी तरक्की हो, बंगाल का तरक्की हो। मैं इस महंगाई के मुतालिक चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं? ठीक थोड़ा सा अर्ज करने जा रही हूँ। जी जी, उसने लाकर है दिया जहर मुझे खाने को, उसने लाकर है दिया जहर, उसने लाकर है दिया जहर मुझे खाने को, आए है इश्क का रोग लगा फिर से हम मस्ताने को। अच्छा अच्छा, उसने लाकर है दिया जहर मुझे खाने को, इश्क का रोग लगा फिर से है मस्ताने को, कौन है उसका है क्या नाम पता पूछे तो, किसी सूरत हुआ राशि नहीं बतलाने को। जब लगी पीट ले, जब लगी पीट ले बाहर से सदा ये आई, कोई झाड़ू से ना मारो मेरे दीवाने, देश से आया या कोई बात दे। अच्छा, तू ना परदेश से आया तो कोई बात नहीं, तेरे माँ बाप को मैं साथ बिठा कर, तेरे माँ बाप आए है, ये तंग समुदाय की शायरी आई है, वाह 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 वाह, साथ बिठा कर ले। सासु माने है क्या फोन, सासु माने है क्या फोन के लौटा अच्छा अच्छा अच्छा, सासु माने है क्या फोन के लौटा बेटे, आज मैं रोई, आज मैं रोई बहुत शोर मचाकर, आज मैं रोई बहुत शोर मचाकर रोई, सासु माने है क्या फोन के लौटा बेटे, आज मैं रोई बहुत शोर मचाकर, क्या खुशी का इजहार है, बात को बात को। रोने वालों में बड़ा नाम है सबसे मेरा। अच्छा अच्छा, रोने वालों में, रोने वालों में बड़ा नाम है सबसे मेरा, जब के मैं रोई, जब के मैं रोई, मैं रोई कभी ब्रेक दबाकर रोई, जब के मैं रोई कभी ब्रेक दबाकर रोई, वाह वाह वाह, क्या क्या शेर, जैसे तैसे कभी रोना नहीं आया मुझे, जैसे तैसे कभी रोना नहीं आया मुझको, जब कभी रोई मैं, जब कभी रोई मैं सुल्तान मिलाकर, जब कभी रोई मैं सुल्तान मिलाकर, जब ख्याल आया, जब ख्याल आया कि अच्छा नहीं ज्यादा, अच्छा जब ख्याल आया अच्छा नहीं ज्यादा रोना, तब भी रोई में मगन, तब भी रोई में मगन मोहम्मद चढ़ाकर, तब भी रोई में मगन मोहम्मद चढ़ाकर, वाह 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 वाह, इसका इंतजार हुई, अब ना जाएगा वो परदेश क्या है वादा, अच्छा अच्छा, अब ना जाएगा वो परदेश क्या है वादा,
आज जारा उसे सीने से लगा कर आज जारा उसे सीने से लगा कर जिंदाबाद 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 तीरगी में रोशनी है माँ 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 जिंदगी है जिंदगी है माँ जिंदगी है जिंदगी है माँ तीरगी में रोशनी है माँ जिंदगी है जिंदगी है माँ एक फकत वजूद से तेरे एक फकत वजूद से तेरे कायनात ये सजी है माँ कायनात ये सजी है माँ बहुत अच्छे भाई तेरी में रोशनी है माँ गुलशन हयात में मेरे गुलशन हयात में मेरे तेरे दम से ताजगी है माँ प्यासी जिंदगी तेरे बगैर प्यासी जिंदगी तेरे बगैर शफकतों की एक नदी है माँ शफकतों की एक नदी है माँ लाल पीला हरा गुलामी सब अफरोज भाई लाल पीला हरा गुलाबी सब ख्वाब बिखरे हैं इस तरह भी सब ख्वाब बिखरे हैं इस तरह भी सब आए हैं लाल पीला हरा गुलाबी सब ख्वाब बिखरे हैं इस तरह भी सब एक एक हर्फ में हूं मैं फिर भी एक एक हर्फ में हूं मैं फिर भी ढूंढते हैं मुझे किताबी सब ढूंढते हैं मुझे एक एक हर्फ में हूं मैं फिर भी ढूंढते हैं मुझे किताबी सब मेरे बच्चे मुझे से सीखते हैं मेरे बच्चे मुझी से सीखते हैं मुझ में मौजूद है खराबी से मेरे बच्चे मुझी से सीखते हैं मुझ में मौजूद है हालांकि ये पैसा फिर ले लेगा अच्छा किए गछवा लिए आप पहले मोहब्बत है दोस्तों ये मोहब्बत है लाल पीला हरा गुलाबी सब क्या ख्वाब बिखरे हैं इस तरह भी सब मेरे बच्चे मुझी से सीखते हैं मुझ में मौजूद है खराबी सब शाकिये मैं गदा कहाँ है तू शाकिये मैं गदा कहाँ है तू होश में आ गए शराबी सब शाकिये मैं गदा कहाँ है तू होश में आ गए शराबी सब मेरे एहसास मर गए मुझे मेरे एहसास मर गए मुझे मर गए मुझ में इंकलाबी सब बहुत खूब मेरे एहसास मर गए मुझ में मर गए मुझ में इंकलाबी सब गजल का मतला हाजिर करता हूँ पढ़िए 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 पहली बार गजल पढ़ रहा हूँ उम्मीद की आप सभी हजरत की दुआएं हासिल होंगी मतलब हाजिर करता हूँ गजल फरमाएं एहसान हर किसी का
उठाने से डर गए। एहसान हर किसी का उठाने से डर गए, उठाने से डर गए। एहसान है किसी का उठाने से डर गए। और हजरत उसने मतलब मौलाना फरमाए, जुल्मत करे मैं शोर मचाने से डर गए, जुल्मत करे मैं शोर मचाने से डर गए। यानी केक चरा जलाने से क्या कर रहे हैं। খুশি মানুষ যেহেতু মানে আমার আমাকে আমাদের মাননীয় মুখ্য নেত্রী আমাদের এবং আমাদের নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে মেয়র হিসাবে এখানে বসিয়েছিলেন। ছ মাসের মধ্যে সিস্টেম ছিল ভোটের, তো সেটা ভোট ডিক্লেয়ার হয়ে গেছে, আজ থেকে নমিনেশন পেপারও চালু হচ্ছে। তো ভোট ডিক্লেয়ার হওয়ার আগের থেকে ছ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচার দেয়ালিকন চালু করেছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত কর্মীদেরকে যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখছি তাদের সাথে রয়েছি, পাশে রয়েছি এবং সবসময় থাকবো তাদের দিকে। তাদেরকে পুরোপুরি আমাদের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো রয়েছে, আমাদের সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজগুলো আছে, সেগুলো যেন প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে, খালি দেয়াল লিখন করলে হবে না, মানুষের কাছে পৌঁছছে কি না সেটা একটু দেখার দরকার। ওই বাড়ি কবে নাগাদ যাবেন আপনারা? আমি যাব, যেতে চাই এক্ষুনি, কিন্তু আমি যেতে পারছি না যেহেতু ওখানে ব্লক প্রেসিডেন্ট এখন একটু বাইরে রয়েছে। তো এলে আমরা মিটিংটা ডাকতে বলবো, 31 তারিখে আমরা মিটিংটা করছি। মিটিং করার পর আমরা দেখুন, এলাকাতে কাজ হয়েছে, পরপর নির্বাচনগুলো হয়েছে, সব নির্বাচনে দিদিকে আশীর্বাদ করেছে, তাই বিরোধী দিকে গুরুত্ব নয়, আমাদেরকে নিজেদেরকে নিজেদের দেখতে হবে যে আমরা কতটা মানুষের কাছে এই যে সুযোগ পেয়েছিলাম, আমরা কতটা কাজ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, মানুষকে কাজ দিতে পেরেছি এবং আমাদের যাতে মার্জিন বাড়ে সেটার দিকে নজর দিতে হবে। নাজিন আজ কে লিয়ে বাস ইতনা হি, কাল দুবারা ইসি ওয়াক্ত আপসে হোগি মেরি মুলাকাত, তব তক কে লিয়ে খুদা হাফিজ। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।